भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि इन नोटों को 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जमा या बदला जा सकता है। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि वर्तमान में चल रहे 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट देना बंद करने को कहा है। अब इन नोटों का क्या होगा? जिनके पास 2000 का नोट है वो क्या करें? कब तक इन नोटों को बैंक में जमा कराया जाएगा? क्या कोई चार्ज भी होगा? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2000 की नोटबंदी से जुड़े सभी सवालों के जवाब। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक क्यों वापस ले रहा है 2000 रुपए का नोट? नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस उद्देश्य की पूर्ति के साथ 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए के अधिकांश नोट जारी किए गए थे। इन नोटों की अनुमानित जीवन काल केवल 4 से 5 वर्ष था। यह भी देखा गया कि इस मूल्य वर्ग के नोट आमतौर पर लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ नोट नीति क्या है? यह जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई गई एक नीति है। आरबीआई द्वारा अपनाई गई इस नीति को स्वच्छ नोट नीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2000 रुपए के नोटों की कानूनी स्थिति क्या है? फिलहाल 2000 के नोटों की वैधता 30 सितंबर तक बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सामान्य लेनदेन के लिए 2000 रुपए के नोटों का उपयोग किया जा सकता है? जी हाँ, जनता अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपए के नोटों का उपयोग जारी रख सकती है। उन्हें भुगतान में भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उन्हें 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जनता अपने पास रखे 2000 रुपए के नोटों का क्या करे? जनता अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकती है। खातों में जमा और 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक आरबीआई के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी जिनमें जारी करने वाले विभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बैंक खातों में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई सीमा है? मौजूद केवाईसी और अन्य लागू आवश्यकताओं के अधीन बिना किसी प्रतिबंध के 2000 रुपए के नोट बैंक खाते में जमा किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या 2000 रुपए के बैंक नोटों की अदला बदली की राशि की कोई सीमा है? जनता एक समय में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 रुपए के नोटों का आदान प्रदान कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सचेंज की सुविधा किस तारीख से उपलब्ध होगी? बैंकों द्वारा प्रारंभिक व्यवस्था करने के लिए जनता से अनुरोध है कि वे विनिमय का सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बैंक शाखाओं से 2000 के नोट बदलने के लिए बैंक ग्राहक होना आवश्यक है? जी नहीं, एक गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 रुपए के नोटों का आदान प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई शुल्क है? जी नहीं, 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्या होगा यदि कोई तुरंत 2000 रुपए के नोट जमा या बदल नहीं सकता है? जनता के लिए पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने के लिए 4 महीने से अधिक की अवधि दी गई है। इसीलिए जनता को इस समय के भीतर सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या होगा यदि कोई बैंक 2000 रुपए के नोट को बदलने, स्वीकार करने या जमा करने से मना कर दे? शिकायतकर्ता या पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता cms.rbi.org पर रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे 2000 की नोटबंदी से जुड़े कुछ सवाल और जवाब। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।